नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ महापर्व से पहले, देखिए लोक आस्था के महापर्व छठ की अब शुरुआत होनी है, और उससे ठीक पहले नीतीश कुमार घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। छठ घाटों पर कितनी साफ सफाई है, लाइटनिंग की क्या व्यवस्था की जाएगी, इन तमाम चीज़ों का वो निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाएं आपको, तस्वीरें निकल के आ रही हैं जहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। ये दूसरी दफ़ा है, कुछ दिन पहले ही उन्होंने छठ घाटों का निरीक्षण किया था। और अब जब दीपावली का त्यौहार बीत चुका है, दीपावली का त्यौहार आप सभी ने बेहतर शानदार ढंग से मनाया होगा, काफ़ी खुशियाँ आपके जीवन में आए, ये हमारी कामना भी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये सभी मौजूद हैं। इन सभी के साथ छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम जितने अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, मुख्य सचिव मौजूद हैं, इसके अलावा पटना के DM चंद्रशेखर सिंह, SSP राजीव मिश्रा मौजूद हैं। आप तमाम लोग तस्वीर देख रहे हैं, खुद जो तमाम जितने अधिकारी हैं वो इस बड़े से बोर्ड पर बैठे हुए हैं, और इसके अलावा पुख्ता इंतजाम भी हैं। नीतीश कुमार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एक एक चीज़ को घूम घूम कर देख रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो भी मौजूद हैं, सभी देख रहे हैं क्या तैयारी है। ललित यादव बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो भी मौजूद हैं, छठ महापर्व को लेकर के कैसी तैयारी है, इसको लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की जा रही है। और तमाम जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो पटना के नगर आयुक्त हों, मैंने कहा पटना के DM हों, इसके अलावा प्रत्यमृत जो कि बिहार सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो भी मौजूद हैं। कुमार रवि पटना के प्रमंडलीय आयुक्त हैं, उन सभी के साथ नीतीश कुमार एक एक चीज़ को देखकर खुद संतुष्ट कर रहे हैं, कैसी तैयारी है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी भी मौजूद हैं। तो छठ घाटों पर तैयारी कैसी है, क्या व्यवस्था है, इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। पटना के गाय घाट से लेकर नासरीगंज, क्योंकि आप देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण पथ है, उस पर से भी लोग खड़े होकर चाहेंगे देखना छठ महापर्व को, जिनके घर में नहीं होता है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम देखना होगा, तैयारियां करनी होंगी, लाइटनिंग क्या व्यवस्था है, जहां पर घाट खतरनाक है वहां पर सीढ़ियां कैसी बनाई गई हैं। इसके अलावा कई जगह पर जो तालाब बनाए जाते हैं उसका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उसमें भी काम लगा हुआ है। यानी कि नहाए खाए खरना तक किसी भी हाल में सभी छठ घाटों पर तैयारी कर ली गई है, तैयारी कर लेनी है। इसके अलावा बैरिकेडिंग की जा रही है छठ घाटों पर गंगा नदी के किनारे, ताकि लोग जहाँ ज़्यादा खाई है आगे, जहाँ दलदल है वहाँ तक ना पहुँचे, कोई बड़ा हादसा ना हो। क्योंकि एक एक चीज़ की जानकारी लेकर पहले से देख लेना कहाँ पर कितना अच्छा है, कहाँ कितना ख़राब है। बहुत सारे ऐसे घाट हैं जिन्हें खतरनाक साबित किया गया है, वहाँ पर छठ महापर्व का आयोजन नहीं होगा। क्योंकि प्रशासन की ओर से लाइटनिंग की व्यवस्था हो, वॉच टावर हो, इसके अलावा जहाँ से अनाउंसमेंट किया जाता है कि कई जगह पर बच्चे जाते हैं या फिर किसी का कोई सामान गुम हो जाता है, तो इसके लिए कंट्रोल रूम है, उन सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं की जा रही है। नीतीश कुमार खुद घूम घूम कर छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव साथ हैं, बिहार सरकार कई वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी, ये सभी वहाँ मौजूद हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव सभी मौजूद हैं, ललित यादव ये सभी मौजूद हैं, खुद मुख्य सचिव मौजूद हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार हर एक चीज़ की तैयारी देख रहे हैं। आज गोवर्धन पूजा है, कल चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया जाएगा, इसके बाद जब त्योहारों का मौसम है तो छठ महापर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी बिहार आते हैं। जो हमारे बिहारी भाई अन्य राज्यों में काम करते हैं वो भी छठ में आते हैं। छठ इज़ एन इमोशन, आप जानते हैं छठ हमारी भक्ति भावना से जुड़ा हुआ है, हमारे दिल के काफ़ी करीब है। और छठ महापर्व में सभी अपने घर आते हैं, पुरानी परंपराओं के हिसाब से जैसे पूजा की जाती है, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, फिर उदयमान को सूर्य को अर्घ देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ की समाप्ति होती है। तो इस 4 दिवसीय छठ महापर्व में जब लोग गंगा जल लाने जाएंगे, वहीं गेहूँ धोएंगे, सुखाएंगे, चावल धोएंगे, सुखाएंगे, तो सब चीज़ों की तैयारी की जा रही है। अच्छे अच्छे जगहों पर घी के स्टॉल भी लगने लगे हैं, दूध की भी तैयारी होने लगी है, दूध की भी बड़ी डिमांड होती है। तो ऐसे में हर एक चीज़ की तैयारी हो, फल मंडियों में भी विशेष व्यवस्था है, फल के दाम थोड़े बढ़ेंगे जाहिर सी बात है, लेकिन जब छठ एक इमोशन है, छठ हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ फिर कीमत किस बात की। नीतीश कुमार खुद एक एक चीज़ को देख रहे हैं, छठ घाटों का मुआयना कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, ताकि हर एक घाट पर तैयारी की जा सके। और स्टीमर से जो अतिरिक्त सुरक्षा बलें होती हैं, NDRF की SDRF की टीम जो होती हैं, वो पहले से अलर्ट रहें ताकि कोई हादसा ना हो सके, सभी ठीक से रहें। और अलग से प्रशासन की व्यवस्था की जाती है, सभी की छुट्टियाँ तो रद्द कर दी गई हैं, सड़कों पर अच्छी व्यवस्था देखने को मिलेगी, चाक चौबंद देखने को मिलेगी सुरक्षा के। तो हर तरफ लाइटनिंग की व्यवस्था हो, सड़कों पर साफ सफाई की व्यवस्था हो, कहीं कुछ कचरा ना जमा हो, इन सब चीज़ों की तैयारी देखी जा रही है। नीतीश कुमार खुद उतरे हैं नाव से, इस बड़े से नाव से, और देख रहे हैं तैयारियां कैसी हैं, कितनी काम करने अभी और बाकी रह गए हैं, सब चीज़ों का दिशा निर्देश दे रहे हैं अधिकारी को, जल्द से जल्द काम पूरा होना चाहिए। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।